वेलकम बैक माय वीडियो, मैं सोनी का स्वागत करती हूँ आप सबका। दोस्तों आज हम जा रहे हैं शादी में और बच्चे भी जा रहे हैं क्योंकि संडे का दिन है, बच्चे सब घर पे ही हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। आज मैंने पहनी है साड़ी और गर्मी में मेरे को साड़ी पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, अब जाना पड़ेगा तो फिर साड़ी पहनना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे ससुराल हैं ना, तो फिर साड़ी पहन कर ही जाना होता है ससुराल में, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन ली है। बच्चे भी तैयार हो गए हैं और इसके पापा भी तैयार हो गए हैं और बस अब हम निकलने वाले हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और डे की बारात है और आजकल बारात भी बहुत ज़्यादा लेट आ रही हैं और फिर आते आते शाम हो जाए। हम घर से निकल चुके हैं, अब हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। देखो ये गांव शुरू हो गया है, यहाँ से मिर्च की खेती हो रही है यहाँ पर। गाँव का कितना अच्छा लगता है, बढ़िया एकदम। अब हम ये अपनी मामी के घर पहुंच चुके हैं, छोटी वाली मामी के यहाँ जाके हम बैठे हैं क्योंकि हमारे जो इसके पापा के मामा का वो है, उनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत बड़ा परिवार है, तो हम सभी के घर थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठे थे और यहाँ पर हम बैठे हैं। फिर मामी ने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी कि हम सब ने बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद हम जाएंगे परिवार में और जगह घूमने के लिए। छोटा बच्चा था, ये बच्चे यहाँ गांव के बच्चे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं मजे से। ये मामा की लड़की थी, यहाँ पर हम गए थे क्योंकि बहुत दिनों में गए थे, इसलिए हमने सोचा सबके घर घूम कर जाएंगे, जो भी कर सकते हैं करो हमारे। तो गाइस हम आए हैं राज्य वाले में पार्टी में, तो गाइस अभी हम कुछ मेहमानों के घर घूम के आए हैं। मेहमानों के घर नहीं, हम मतलब मेहमान हैं, हम मेहमान हैं, हम घूम के आए हैं कुछ और अब हम पार्टी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, अब हम पार्टी को जा रहे हैं। पार्टी तो नहीं जा रहे, अभी कहीं घर जा रहे हैं घूमने के लिए, अब जान दे रहे। तो गाइस हम घर के घर पर पहुँच चुके हैं, तो गाइस हम पहुँच चुके हैं जहाँ मैं आना था उनके घर पर, तो अब घर तो दिख नहीं रहा, अभी दिख रहा काफ़ी बड़ा घर है इनका, है ना। यहाँ पर सारे जने बैठे हुए हैं, तो हम आपको इनका घर थोड़ा सा एक्सप्लोर करा देते हैं। इनका काफ़ी बड़ा घर है, इधर भाई साहब सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर लगे हुए हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर एक इन्होंने रसोई जैसा बना रखा है, ये है वो दादी जी जिनके घर हम आए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर इन्होंने भैंसे भी पाल रखी हैं और यहीं पर इन्होंने ये चारा भी उगा रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर रहकर। तो ठीक है गाइस, अब हम जहाँ पर भी पूछेंगे आपको बता देंगे, अभी के लिए इतना ही। गाइस यहाँ पर आ गई है चाय, चाय तो नहीं आई, बिस्किट और नमकीन आ चुके हैं और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं ये, अब हम चाय पियेंगे। तो गाइस हमने चाय पी चुकी है, पी ली है सब लोगों ने, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस चाय पी जा रही है, इधर बुआ ने चाय पी ली है, इधर ताई भी बैठकर चाय पी ली है, दादी भी बैठकर चाय पी ली है, इधर सब खा पी कर बैठे हैं सारे जने। और यहाँ पर हमने चाय वाय बिस्कुट नमकीन खा लिया, अब हम यहाँ से भी जा रहे हैं जहाँ पार्टी हो रही थी वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए सभी जने बाहर निकल कर खड़े हो चुके हैं, तो हम जाएंगे। यहाँ पर आंधी आ गई थी, हम जैसे ही नाश्ता करने के लिए गए और फिर हमने जल्दी जल्दी खाना खाया, टेंट जो था वो खेत में लगा हुआ था और खेत में फिर हमने नीचे बैठकर मौज मस्ती के साथ खाना खाया, बहुत ज़्यादा हमको मज़ा आया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी हमें गर्मी का एहसास नहीं हुआ और सभी लोगों ने खूब मिलजुल कर इंजॉय किया। मौसम खराब हो गया, सब लोग जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, ये इसकी मेहर है, ऐसी बड़ी चीज है ये हमारे गांव की, ये आयुष की है, बस एक उत्तर ले, ये मीठी भी है, नीचे बैठ के खा ले। तो गाइस हमने सब कुछ खा पी लिया है, तो दो तीन जगह और मैं रह गई थी बैठने से, अब हम वहां पर भी बैठने जाएंगे। और तो गाइस हम निकलने के लिए भी तैयार हैं, यहाँ पर सारे लोग तैयार हो चुके हैं,
ताई भी तैयार हैं और बुआ उधर पर है और बाकी सारे लोग इधर हैं। तो अब हम निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में, यहाँ से निकलेंगे फिर हम एक दो जगह और बैठेंगे फिर उसके बाद घर जाएंगे। गाइस अब हम पार्टी से आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं शायद घर जा रहे हैं या फिर कहीं बैठने जा रहे हैं। तो गाइस हम चल रहे हैं, ये हमारे साथ बस भी और पीछे सारे जने चलते हुए आ रहे हैं। हम अभी एक जगह पर रुके थे पीछे, आगे हमारे फूफा जी खड़े हैं शायद हमारा इंतजार कर रहे हैं खड़े खड़े, और पीछे ये सब जने आ रहे हैं और ये खड़े हैं हमारे फूफा जी। यहाँ यहाँ पर फूफा जी खड़े हैं और यहाँ पर पीछे से आ गई है हमारी पूरी टोली, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे जने आ गए हैं। तो अब हम चलेंगे गाइस, हम जाते जा रहे हैं दो तीन जगह और हमें और जाना है और पीछे भी सब आते जा रहे हैं। ये हम चल रहे हैं गलत रास्ते पे आ चुके हैं, अब हम दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं आपको दिखा देंगे हम जहाँ पे भी जाएंगे। तो ठीक है चलते रहेंगे गाइस, हम जा रहे हैं शायद से अब हम पहुँचने वाले हैं, हम चल ही रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर पता नहीं क्या बना हुआ है, क्या करते हैं मैम के का तेल, मैम के का तेल। और गाइस यहाँ पर हम अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं, तो फिर हम अंदर चलते हैं अंदर एंटर होते हैं। तो गाइस जहाँ पर हमें आना था हम आ चुके हैं, यहाँ पे बहसें बंधी हुई हैं और यहाँ पे ये चाची जी हैं। चाची नमस्ते, चाची नमस्ते, नमस्ते। तो फिर यहाँ पर हमने चाची जी को नमस्ते कर ली और भाई साहब यहाँ पे इनका घर बहुत ठीक ठाक ही बना हुआ है और यहाँ पे खाट वाट है, तो हम यहीं पर बैठेंगे, एक पेड़ भी लगा। तो फिर गाइस ये हम सब जन आ चुके हैं, अब हम आराम से बैठेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं और यहाँ पर बहस शुरू हो चुकी है। क्या कह रहे थे भाई तुम, क्या कह रहे थे? तो गाइस हम बैठे हुए हैं देखिए बैलगाड़ी पर और यहाँ पर ये सब लोग नीचे हैं। बुआ लेट हो गई थी, पीछे रह गई थी तो अभी आ चुकी है, ये पीछे रह गई थी तो अभी आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पानी लगाने वाला इंजन है वो भाई साहब, भाई हमने लाइट ऑन करी है तब भी इतना ही दिख पा रहा है गाइस, इसके अंदर पता नहीं इसमें से पानी आता है सर, और ये पानी लगाने वाला इंजन है। यहाँ पर फसल हो रही है प्याज की, प्याज माने आले, ऑनियन, ऑनियन बननी है भाई। भाई साहब हम सब बैठे गप्पे चल रहे हैं, मजा आ रहा है। यहाँ पर मौसम बहुत खराब हो चुका है, सारे लोग भागने लगे हैं, आंधी आ चुकी है और बारिश हुई साथ में। जयमाला से पहले ही बारात चढ़ गई है, जयमाला से पहले ही आंधी तूफान और बारिश के साथ मौसम का मनोरंजन का बोर्ड लिया जा रहा है, आनंद लिया जा रहा है। और यहाँ पर सारे जने अंदर जा चुके हैं क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, खतरनाक। और अब हम भी अंदर जा, एकदम बिल्कुल सब साफ हो चुका है, यहाँ पे बड़ी तेज आंधी आ चुकी है, हमें बहुत डर लग रहा है इसलिए हम अंदर जा रहे हैं। अब आप ये देखिए पेड़ कितनी तेज तेज हिल रहे हैं, कितनी तेज तेज हवा चल रही है, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है। तो गाइस अब हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के बैठेंगे आराम से, हम अंदर आके बैठ चुके हैं और अंदर भी काफी अच्छे से हम बैठे हैं। यहाँ पर सारे जनों के बैठने के लिए बहुत जगह है, बैठ चुके हैं हम। गाइस हो चुकी है बारिश शुरू, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हमारी पार्टी चल रही है। वो अभी यहाँ पर खा रही है ये फूफा जी, लोग देख सकते हैं यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है, ये भी अंदर आ गए, तो अब हम भी अंदर ही बैठेंगे। ठीक है बाय। तो
तो दोस्तों हम वहाँ से रात के 9 बजे अपने घर पर आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और एकदम से आंधी आ गई थी। हम लोगों ने जैसे ही खाना खाया एकदम से बारिश आने लगी। फिर हमारा जो परिवार है वो काफ़ी बड़ा था, तो हम सभी के घर में बैठने के लिए गए थे, तो काफ़ी शाम हो गई तभी बारिश आ गई। फिर हम वहीं पे फंस गए। फिर ना ही तो हमने कुछ देखा बारात चढ़ाई और ना ही जयमाला देखी और ना ही कुछ देख पाए, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी कि कहीं निकलने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। सब लोग बहुत ज़्यादा भीग गए थे। फिर हम जैसे ही रात को 8 बजे के टाइम थोड़ी बारिश हल्की हो गई और हम तब वहाँ से निकले। फिर रात को ही घर पर आ गए और फिर रात को घर पर आ गए थे तो फिर सब लोग सो गए थे। फिर सुबह उठकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों देखा आपने गांव की शादी कितनी अच्छी लगी। पूरा परिवार एक साथ गए थे हम लोग और खूब इंजॉय किया हमने और बच्चों ने मिलके खूब ज़्यादा। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।